स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर इन सी डबल प्लस, देखते हैं ये ऑपरेटर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इन सी डबल प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर इज यूज फॉर फॉलोइंग पर्पस। वन, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर इज यूज फॉर डिफाइन ए मेंबर फंक्शन आउटसाइड ए क्लास। अब पहला यूज मैं बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ क्लास आपको दिखाई दे रहा है, ये भी चीज का नाम है, इसके अंदर एक फंक्शन है उसका नाम है एफ। तो आपने पैरामीटर्स के बाद आप सेमीकोलन दे दिया, इसका मतलब फंक्शन को डिफाइंड नहीं किया, तो एक मेंबर फंक्शन को अंदर में क्लास के अंदर ही डिफाइंड कर सकते हैं, मगर आप डिफाइंड नहीं किए, हम इस फंक्शन को बाहर डिफाइंड कर सकते हैं, इस फंक्शन को हमें क्लास के बाहर भी डिफाइंड कर सकते हैं। जब क्लास के बाहर डिफाइंड करते हैं तो बताना होगा ये फंक्शन इस क्लास का है, ये फंक्शन जो एफ है इस क्लास का। देखिए यहाँ कोड डिफाइंड कर रहे हैं हम लोग फंक्शन को, ये सिर्फ डिक्लेरेशन बोलते हैं, खाली हेडिंग लिख के सेमीकोलन दे दिएगा तो डिक्लेरेशन हुआ, डिफाइंड माने कोड आएगा। तो यहाँ पे जब बाहर एक मेंबर फंक्शन को जब बाहर हम डिफाइंड करते हैं, अंदर डिक्लेयर करके छोड़ दिए तो बाहर डिफाइंड करते हो, तो उस फंक्शन के साथ ये यूज करना पड़ेगा रिटर्न टाइप के बाद और फंक्शन नेम के सामने क्लास का नेम और स्कोप ऑपरेटर। ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये बताता है इस फंक्शन का स्कोप इस क्लास में है, किसके घर में उनका स्कोप रहेगा ना, ऐसा ये फंक्शन का स्कोप ये क्लास में है, मतलब वो उसके क्लास का, वो क्लास का मेंबर है बोल के बता रहे हैं, तो उसका क्लास, उसका वो क्लास का वो मेंबर है, तब जाके उसका स्कोप इसके अंदर है। इस फंक्शन का स्कोप इस क्लास में है बोल के बताने के लिए स्कोप ऑपरेटर हमें यूज करते हैं। देखते हैं दूसरा क्या यूज करते हैं, दूसरा कहाँ यूज करते हैं इसको। अब यहां देखिए एक एक्स नाम का एक वेरिएबल लिए, तो मेन के अंदर, मेन के बाहर भी एक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर यूज करें हम, एक्स का नाम का एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करें, तो अंदर भी एक है बाहर भी एक है। जब ये मेन फंक्शन में अब जब हम एक्स को डिस्प्ले करेंगे तो लोकल वेरिएबल ही डिस्प्ले होगा, एक्स को हम डिस्प्ले करेंगे तो लोकल वेरिएबल ही डिस्प्ले होगा क्योंकि वो बाहर का है। तो हम लोग जब मेन में कभी भी एक्स को यूज करेंगे या एक्स को हम एक्सेस करेंगे तो ये लोकल एक्स ही एक्सेस होगा, यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। नहीं आप चाहते हैं बाहर का एक्सेस करना है तब जाकर ऐसा करना पड़ेगा, तो ये ऐसा यूज करके आपको करेंगे तब जाके उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, उसे तो हम वैल्यू नहीं दिए, ग्लोबल वेरिएबल को ऐसा ही जीरो रहता है वैल्यू, वो यूज कर सकते। तो दूसरा यूज क्या है, टू एक्सेस ए ग्लोबल वेरिएबल व्हेन देयर इज अ लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम। यकीन नाम के वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल में जो नाम से डिक्लेयर करे ग्लोबल वेरिएबल, वही नाम से और एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर दिया अंदर में, तो क्या करेगा, लोकल वेरिएबल से हाइड कर देते हैं ग्लोबल वेरिएबल को उस फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल ही एक्सेस करते हैं, जो हाइड हो जाता है ग्लोबल वेरिएबल उसको एक्सेस करने के लिए ऐसा यूज करेंगे, तो वो उसे कुछ वैल्यू नहीं दिए थे ग्लोबल वेरिएबल में, ऐसा ही जीरो रहता है शायद, वहां जीरो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद अब यहां एक फंक्शन है क्लास के अंदर, क्लास के अंदर एक फंक्शन है, इसका नाम है एफ। इसमें स्टैटिक नहीं होता तो हम कैसा एक्सेस करते थे उसे, स्टैटिक नहीं होता तो इसको ऐसा एक्सेस करना पड़ता था, किस क्लास के अंदर है, ए बी सी के अंदर है ना, ए बी सी नाम का एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे पहले, कुछ भी हो एक्स आर कुछ भी, तो जैसा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं ऐसा ऑब्जेक्टों को भी डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास के वेरिएबल को, ये ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आप देखिए पहले ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिस फंक्शन को आप कॉल करना चाहते हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट, ऐसा बनाने के बाद तब जाके ऐसा कॉल करना पड़ता, पहले ऑब्जेक्ट लिखना डॉट फिर उसके बाद फंक्शन का नेम, ऐसा कॉल करना पड़ता था उसे, जब ऐसा कॉल करेंगे तो तब जाके ये कॉल होता था, क्योंकि मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्टों से कॉल होते हैं, मगर जब वो मेंबर फंक्शन स्टैटिक हो, जब वो मेंबर फंक्शन स्टैटिक हो तो क्या होता है, जब स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको एक्सेस करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कॉल कर सकते हैं इसे, ऐसा एक्सेस कर सकते हैं ऐसा, बस यह बताना चाहिए यह फंक्शन का स्कोप ये क्लास में है, इसका मेंबर है बोल के बताना है। तो स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं, क्लास नेम, स्कोप ऑपरेटर, मेंबर नेम, या फंक्शन हो जाए या वेरिएबल हो जाए, क्लास का मेंबर है तो स्टैटिक है तो इसे क्लास नेम से हमें ऐसा एक्सेस कर सकते हैं। तो आप स्टैटिक में क्लियर से यह समझ सकते हैं, जस्ट मैं यहाँ थोड़ा बिट्स के रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ,
कि एक तो हो गया ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, एक भी हो गया मेंबर फंक्शन को बाहर आया, अंदर में डिफाइंड नहीं करे, अंदर में सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, बाहर में डिफाइंड करना है तभी यूज़ करे, और ये एक हो गया। और दूसरी जगह स्कोप ऑपरेटर हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो ये क्या है, टू एक्सेस द स्टैटिक मेंबर्स ऑफ ए क्लास, क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए। और दूसरा कहाँ पे यूज़ करते हैं इसे, अब यहां इनहेरिटेंस में यूज करते हैं। देखिए इसको, अब इसको देख सकते हैं, यहां पे एक क्लास है, यहां पे बेस क्लास है, ये क्लास को ये क्लास इनहेरिट कर लिया है, तो देखिए उसके पूरे मेंबर्स इसमें कॉपी होंगे ऐसा लिखने से। तो अभी इसमें क्या हो गया, जो बेस क्लास में एक फंक्शन था जो वही नाम से हर वही प्रोटोटाइप से कंप्लीट वही है, देखिए वही प्रोटोटाइप से यहाँ डिफाइंड हुआ। और एक अंदर में क्या डिफाइंड हुआ, मतलब नहीं अंदर में क्या है, देखिए फंक्शन कॉल नहीं होता है, उसका प्रोटोटाइप मैच हो गया। ये देखो यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है, जब एक बेस क्लास में जो फंक्शन डिफाइंड है तो वही प्रोटोटाइप के साथ वही हेडिंग के साथ डिराइव्ड क्लास में भी डिफाइंड हो गया, तो क्या होगा, तो जब ये भी कॉपी होगी यहाँ पे, ऐसा करने से क्या होगा, वो भी यहाँ कॉपी, तो दो हो गए, तब इन्हें क्या करेगा, उसे हाइड कर देगा, ओवरराइडिंग कर देगा, बेस क्लास के मेंबर को ओवरराइडिंग हाइड कर देगा। तो तब क्या होता है देखेंगे, अब तो हमें क्लास के अंदर के मेंबर को एक्सेस करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट बना लिया डिराइव्ड क्लास का, देखिए ऑब्जेक्ट बनाए, फिर उसके बाद हमें टेस्ट को कॉल करना था, एक्चुअली सारी हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर दिए हैं, यहाँ पे हम टेस्ट को कॉल कर दिए। जब मैं टेस्ट को कॉल कर दिया तो कौन सा कॉल होगा, तो क्या वो ऊपर बेस क्लास में का कॉल हो गया, डिराइव्ड क्लास में कॉल हो गया। कुछ लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है तो डिराइव्ड क्लास में का कॉल हो गया, नहीं डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास के मेंबर भी एक्सेस कर सकते हैं, मगर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दोनों में सेम है तो एग्जैक्ट सेम है तो कौन सा कॉल होगा, यही सवाल है। यहाँ नहीं रहता तो वो कॉल हो जाता था, वहाँ नहीं रहता तो यह कॉल हो जाता, जब दोनों जगह है तो कौन सा कॉल होगा, तो यही कॉल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसका था इस एरिया के अंदर, ये क्या करेगा उसे हाइड कर देगा, इन्हें क्या करेगा उसे हाइड कर दिया, जब इनेच कॉल होगा, चलो टेस्ट का बोलते ही डिराइव्ड क्लास में का कॉल हो गया, टेस्ट ऑफ डिराइव्ड बोल के हाँ आएगा। तो ये कई को लिखे हमें, इससे स्कोप ऑपरेटर का क्या फायदा है, जो ओवरराइडिंग हो गया है, जो बेस क्लास वर्शन, जो बेस क्लास के अंदर जो सेम मेथड था उसे कॉल करने के लिए फिर ऐसा लिखना पड़ेगा। समझो तुम्हें बेस स्कोप ऑपरेटर नहीं लिखेंगे तो ऐसा ही टेस्ट को कॉल करेंगे, वो खुद कॉल हो जाएगा, फिर रिकर्शन हो जाएगा, अपने आप को कॉल कर ले रहे हैं ऐसा लगेगा। तो ऐसा लिखने से क्या हो गया, जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ उसका स्कोप बेस में है, बता रहा हूँ जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ उसका स्कोप बेस में है तो वो कॉल होगा। तो ये समझ में आएगा स्कोप ऑपरेटर कहाँ यूज़ करते हैं, स्कोप ऑपरेटर पहले कहाँ यूज़ करें हम लोग, तो स्कोप ऑपरेटर एक मेंबर फंक्शन को अंदर डिफाइंड नहीं करे, बाहर जब डिफाइंड करेंगे तो वो किस क्लास का मेंबर है बताने के लिए वो एक बार मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं यूज़ करें, एक ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करते वक्त करें, और एक स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करना है तो स्कोप ऑपरेटर यूज़ करें, और एक जगह ओवरराइडिंग मेथड, ओवरराइडिंग इसी को बोलते हैं। तो एक बेस क्लास में एक मेथड होगा सेम मेथड वही प्रोटोटाइप के साथ भी डिराइव्ड क्लास में डिफाइंड होगा, उसे ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जब हम डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं तो एक्चुअली डिराइव्ड क्लास में नहीं रहता तो बेस क्लास का कॉल होता था, तो दोनों जगह रहने से ये कॉल हुआ क्योंकि ये आके उसे हाइड कर दिया, ओवरराइडिंग कर दिया रहता, तो वो ओवरराइडिंग मेथड को कॉल करने के लिए, वो ओवरराइडिंग फंक्शन को एक्सेस करने के लिए ऐसा लिखते हैं। तो बता रहे हैं ये फंक्शन जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ उसका स्कोप बेस में है, तो ये इसका चार जगह हमें यूज करें इसको। एक बार क्लियर से मैं नोट्स बता देंगे तो आपको चाहिए तो कर ले सकते हैं नोट्स। Thank you.